मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी से दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पिछले पांच दिन के दौरान तापमान में 4.4 डिग्री की गिरावट आई है। गुरुवार को भोपाल का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक नवम्बर के आखिरी हफ्ते तक उत्तर भारत के राज्यों में ठंड और बढ़ेगी। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मतदान के एक दिन पूर्व जवाहर चौक के सुनहरी बाग क्षेत्र में आशा बहन के घर पहुंचे। उन्होंने वहां लाडली बहन आशा के यहां भोजन भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाने की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने आशा बहन के यहां भोजन किया है और घर पर उगी गिलकी की सब्जी का भी स्वाद लिया। लाडली बहना के बाद मैंने एक और योजना लखपति बहना योजना बना ली है। उन्होंने कहा कि हर बहन अपने पैरों पर खड़ी हो और उनकी आमदनी 1 लाख से ज्यादा हो, यह हमारा प्रयत्न है। इंदौर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने इंदौर जिले के सभी 9 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव हेतु होने वाले मतदान तथा 3 दिसंबर 2023 को मतगणना के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अशोकनगर में कहा है कि विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बुधवार को ये कहा कि कांग्रेस समस्या पैदा करती है, हम उसका समाधान करते हैं। कांग्रेस ने आतंकवाद पैदा किया है, हमने उसे खत्म किया है। कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो हमने विकास किया। कांग्रेस 65 साल में गरीबों को घर क्यों नहीं दे पाई, शौचालय क्यों नहीं दे पाई, गरीबों को राशन क्यों नहीं दे पाई थी, क्योंकि कांग्रेस ने गरीबों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। इंदौर में मतदान से पहले शराब अपना अहम रोल निभा रही है और इसमें भी अवैध शराब तो कई विधानसभा में पकड़ी जा रही है और इसी के तहत मुखबिर की सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच द्वारा हीरानगर थाना क्षेत्र से 22 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है, जो कि क्षेत्र में चुनाव के मध्य नजर वितरण होने आई हुई थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।